इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आ रही है वो ये है कि जनरल फैज और उनके अजीत डोवल जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के वो जो हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी मुलाकात हुई है, दुबई में हुई है। अगरचे अरशद शरीफ लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि कोई इसकी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं इस बात के निकशाफ भी मुलाकात में ही हो के जो सहाफ़ियों से मुलाकात की गई उसी में ही ये बात बताई गई है कि अब ये फैसला किया गया है कि पॉलिटिशियंस को बाद में इंडक्ट किया जाएगा पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में, पहले ये किया जाएगा इंटेलिजेंस लेवल पर, ISI और रॉ के रबते जो हैं या उनके सिक्योरिटी नेशनल ये सिक्योरिटी के चीफ जो है पाकिस्तान के हैं, ये लोग पहले जो है ना ये बैठे हैं। बताया जा रहा है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को बात समझाने की कोशिश की है कि आप कश्मीर में सिर्फ फंस कर ना रह जाएं, आप कश्मीर पे अपना क्लेम रखें, जैसे हमने ताइवान में रखा हुआ है, हमने हांगकांग पे रखा हुआ था, 100 साल बाद हमने ले लिया था हांगकांग जो है उनसे, यूके से ब्रिटिशर से ले लिया था। आपने बिल्कुल ये कह दिया कि ना हम नहीं करेंगे जब तक ये कश्मीर का मसला नहीं होगा, हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। तो उस पर चाइनीज को भी उस पर कंसर्न है कि आप इस तरह ना करें। उन्होंने अपना भी दिए कि हमारे भी इश्यूज हैं, लेकिन हमने भी अपने उनके साथ बॉर्डर बंद नहीं किया, हमने उनके साथ बैठ के तिजारत बंद नहीं की। सेम ये बताया, पाकिस्तान की बड़ी जो मैसिव चेंज आ रही है कि वो कश्मीर पे अब बातचीत उतना सख्त स्टैंड पाकिस्तान नहीं लेगा, स्टेटस को की तरफ ज्यादा जाएंगे और बाकी जो बायलैटरल हमारे इश्यूज हैं, सियाचिन है, सर क्रीक है या ट्रेड के इश्यूज हैं, सो पाकिस्तान का फोकस यह है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहाल किया जाए, एरियल बहाल किया जाए, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए और अपने आप को पैरों पर खड़ा किया जाए और इंडिया को रूट दिया जाए, रास्ता दिया जाए पाकिस्तान के अंदर ये ले जा सके। और इसके लिए हमारी सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज का ऑन बोर्ड होना बड़ा जरूरी था, कोर कमांडर्स का ऑन बोर्ड होना जरूरी था। बल्कि एक बात यह भी की गई कि 2014 में तकरीबन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बहुत सारे मुहदे होने वाले थे, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त वाजपेयी साहब ने आपको याद होगा उन्हें बुलाया भी था अपने स्वेयर इंजिन के लिए, वहां पर वो गए भी थे, उधर वहां इंडिया भी गए थे। तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त इनको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना था और तकरीबन बातचीत हो चुकी थी और उस पर कैबिनेट का इजलास भी बुला लिया गया था जिसमें उन्होंने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना था। तो जब उन्होंने आके मीटिंग करनी थी, मीटिंग से एक दिन पहले कह दिया कि जी आर्मी को रिजर्वेशन है, मोस्ट फेवरेट नेशन से ना इसका अल्फाज के मीनिंग बड़े वो ठीक नहीं है कि मोस्ट जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हम अब उसको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे कैसे दे दें। 2014 में हमारी आर्मी स्टैब्लिशमेंट जो थी उस वक्त रहील शरीफ साहब हेड कर रहे थे, सो उन्होंने अपोज किया। तो यही बात अब भी की गई। खैर, उस पर बाजवा साहब का यह कहना था कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब की दफा उन्होंने बड़ी एक उस उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की कि हम जो हैं फौज जो है एस्टेब्लिशमेंट है जहनी तौर पर तैयार है कि हम इंडिया को एक उसके साथ नॉर्मल एक उस नेबर की तरह बैठ के बातचीत करें और उनके साथ एक उस नॉर्मल एक नेबर की तरह हम रहने की कोशिश। जो बड़ी खबर है कि वो यही है कि पाकिस्तान के ये DGISI और उनके अजीत डोवल जो हैं उनसे अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी उसमें बेहतर है। सो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है निकल रही है पाकिस्तान इंडिया के लिए। अगरचे इस वक्त हालात दोनों मुल्कों के ज़रा डिफरेंट हैं, कोरोना की वजह से वो सिचुएशन वो एक्साइटमेंट इंडिया में भी नहीं होगी, पाकिस्तान भी नहीं होगी, लोगों को इस वक्त अपनी जान बचाने की ज़्यादा फिक्र है रादर दैन कि वो ये देखिए। और वो भी आप नरेंद्र मोदी की हुकूमत के साथ इस किस्म के एतमाद के डेवलपमेंट्स आप आगे पेश करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपने तो जो कहना था कहा, मगर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो जातियात पे उतर आए थे और वो लगे रहे और उनके खिलाफ भी ये बातें होती रहीं और अब वो उनको आप कह रहे हैं कि वो यू टर्न करें इसके ऊपर और आपको सपोर्ट करें नॉर्मलाइजेशन, जबकि उनकी काबीना उनके साथ नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो बात यह है कि इसको तरीके से हैंडल करना चाहिए, इतने बड़े डेवलपमेंट्स जो हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, उनको जमहूरी बेस के ऊपर लगाम बैठाना चाहिए ताकि आगे भी बढ़ सकें आप। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नॉर्मलाइजेशन इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती, मगर जिस तरीके से आप करने जा रहे हैं ऐसे ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। और वो भी इंडिया जैसी मोदी की रियासत जिसके साथ जो कि एक इंच देने के लिए आपको तैयार नहीं, और अब आपने ये कह दिया है कि 370 तो ठीक है वो तो छोड़ें उसको, वो तो हम पहले नहीं मानते थे, हमें तो 35A जो है वो बड़ा रेलिवेंट है हमारे लिए। तो अगर अब आपको 35A जो है वो ना मिला तो फिर आप क्या करेंगे। इंस्टीट्यूशन जो कि फंसी हुई है इस वक्त,
एक इंटरनेशनल क्राइसिस के अंदर फंसी हुई है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसी हुई है जहां उनके बजट्स के नहीं मिलेंगे उनको आप जो चाहते हैं उनको, और जिस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ चल रही थी, तो टेकिंग हैवी टोल ऑफ देयर बजट्स, और वो और पैसे मांग रहे थे और उनको पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि पैसे थे ही नहीं देने के लिए। तो इसलिए दे आर हैप्पी कि जी किसी तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी एलओसी के ऊपर, यहां करोड़ों रुपए पर डे, देखें कश्मीर का इशू जो है ना, हम उसको कैसे हल करना है। देखिए कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि हमें भारत के साथ जंग करके ही मसाइल को हल करना है। बात तो याद रख लेनी चाहिए कि मोदी साहब जो हैं वो कोई, वो एक पॉपुलिस्ट सियासतदान हैं जो कि इंतखाबी जो सियासत होती है उसके असीर हैं, और उनसे आप ये तवक्को रखें कि वो जम्मू और कश्मीर पे आपको कुछ दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, नादानी का सबूत दे रहे हैं। अगर आप इन मामलात को फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग की तरफ लेकर गए कि हम वहाँ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप यकीन जानिए वहाँ कुछ नहीं आपको मिलना, क्योंकि भारत की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आप सुन रहे थे रॉब क्लासरा को। रॉब क्लासरा आप जानते होंगे दोस्तों, पाकिस्तान के एक नंबर के पत्रकार हैं, मतलब अगर मेरी लिस्ट में पाकिस्तान में कोई ऑनेस्ट पत्रकार है, ऑनेस्ट पत्रकार मेरे ख्याल से इंडिया में तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। एक कहता है गोदी मीडिया, एक कहता है चमचा मीडिया। इंडिया में आपको पता है दो तरीके के मीडिया होते हैं, एक गोदी मीडिया होता है, एक जो गोदी मीडिया कहने वाला है वो भी ऑनेस्ट नहीं है, ये भी आपको पता है, वो भी बायस्ड है। तो दोनों तरफ से मतलब किसी ना किसी तरीके से नाव में बैठते हैं। तो दोस्तों मैंने अगर सब कॉन्टिनेंट में एक इकलौता पत्रकार देखा है तो मैं उसको रॉब क्लासरा को जानता हूँ। ये पत्रकार डेफिनेटली, मैं इसको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, इसका जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त होता है इंडिया पाकिस्तान और हर सिचुएशन को लेकर। तो मैं रॉब क्लासरा की बहुत इज्जत करता हूँ। साथ में नजम सेठी, तो नजम सेठी भी मैं ऐसे मतलब वही वाला पत्रकार बोलूँगा, इस साइड भी रहता है उस साइड भी रहता है, ये नवाज शरीफ के काफ़ी करीब है। तो गाइज़ आपने सुना रॉब क्लासरा को। रॉब क्लासरा बता रहे थे पाकिस्तान और भारत के बीच सीक्रेट मुलाकात, मतलब पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है आईएसआई और भारत की जो है रॉ, इनके जो जनरल फैज और जनरल फैज जो है आईएसआई के हेड हैं और भारत के जो अजीत डोभाल हैं, इन दोनों के बीच यूएई में मुलाकात हुई है और डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आए हैं। मतलब अब पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि अब हम लड़ाई झगड़ा बहुत कर चुके, पाकिस्तान का बजट नहीं है, अब भारत को रास्ता देंगे अफगानिस्तान तक जाने का, आप यहाँ से व्यापार करें, हमसे व्यापार करें और ये गोलीबारी में पैसा ख़त्म करें। तो इस तरीके की पॉजिटिव बातें हुई हैं जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डेफिनेटली आप कब तक लड़ेंगे, हाँ ये भी है पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान का धोखा स्वभाव है, धोखा देना पाकिस्तान का स्वभाव है। पाकिस्तान ऐसा है शायद ये पॉजिटिव करके घुसड़ देगा 100-200 जिहादी और जम्मू कश्मीर में फिर ऐसा हमला हो जाएगा जिसमें हमारे सैनिक मर जाएंगे, हमारी लोकल आवाम मर जाएगी, या कुछ ऐसा अटैक हो जाए तो डेफिनेटली मोदी सरकार की तो हालत ख़राब हो जाएगी कि आपने इनको फिर सांप को दूध पिलाया और इन्होंने आपको डस दिया। तो इस तरीके के कुछ हालात हो सकते हैं गाइज। तो ये था वीडियो आज का, आपको इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी गाइज़, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएं, और 1 तारीख से वैक्सीन लगने वाली है, प्लीज़ रजिस्टर करके आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आप छोटे शहर में तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, अगर लेकिन आप महानगर या किसी बड़े शहर में फंस गए हैं या वहाँ पर रहते हैं तो आपको डेफिनेटली बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी वहाँ पर कोविड वैक्सीन उतनी ही डिफ़िकल्ट रहेगी जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो गाइज़ वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप पॉजिटिव भी हो जाएंगे तो आपकी डेथ नहीं होगी। जो हिस्ट्री आ रही है जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई, अगर वो पॉजिटिव भी हो रहे हैं तो उनकी डेथ नहीं हो रही है, 99% केस में वो घर में ठीक हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है गाइज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी अपने को ना खोएं, प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मैंने अपने एक को खो दिया है, तो मैं जो मेरे दोस्त हैं उनके कुछ रिश्तेदार या ये और वो इसी चक्कर में थे कि वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, और फिर वो उनका ये एटीट्यूड बहुत मुझे बाद में बहुत मतलब मैं डेफिनेटली शॉक्ड हूँ कि वैक्सीन लगवा लेते तो काश शायद सिचुएशन कुछ और होती। और हॉस्पिटल अगर आप एक बार गलती से चले गए कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो डेफिनेटली आपका इतना बिल बन जाएगा कि आप हॉस्पिटल से लौटने के बाद शायद आपकी डेथ हो जाए, 15-20 दिन में वो इतना बिल बना देंगे, क्योंकि आपको ही पता भारत में ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है पैसा कमाने की, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब बहुत महंगा बेचा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वैक्सीन लगवाएंगे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें।